श्री गणेश मंदिर टेकडी येथे आज श्री गणेश जन्मोत्सव निमित्ताने श्री अष्टविनायक मित्र मंडळातर्फे बाप्पाच्या चरणावर दुपारी 12 वाजता आरतीच्या वेळी लाडू अर्पण केल्यानंतर सर्व भक्तांना 1100 किलो लाडूचे प्रसाद वितरित केला गेले अशी माहिती विवेक गुप्ता यांनी दिली आहे. श्री गणेश चतुर्थी निमित्त मी हे सांगत आहोत की जे ह्या अष्टविनायक मित्र मंडळकडून प्रत्येक वर्षी म्हणजे आज आम्हाला 11 वर्ष होऊन राहिले. आणखी त्याविषयी असं आहे का याची इथे जेही कोणी येते त्याची मनोकामना पूर्ण होते आणि जे आहुती येत जे यज्ञ करतात त्याच्यामध्ये कसं आहे की जे वाळला नारळ टाकले जाते त्याची अवश्य पूर्णपणे त्याची मनोकामना पूर्ण होते. तवापासूनच्या हा जी मी हरीश शिवाले यहाँ पर जो गणेश मंदिर में मैं तकरीबन मेरी 30 साल की सेवा है. मैं यहाँ का सेवक हूँ. यहाँ पर जो यज्ञ होता है स्पेशली आज के दिन तो यहाँ आखिरी में जो पूर्ण आहुति होती है तो यहाँ की मान्यता है कि सूखा हुआ नरियल ये पूर्ण आहुति में चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है. 30 साल से तो मैं कर ही रहा हूँ लेकिन ये आज का स्पेशल डे है इसलिए आज के दिन सूखा हुआ नरियल वो यज्ञ में चढ़ाना चाहिए. और अष्टविनायक मंडल के हम प्रेम मद्रे हैं. ये मिश्रा जी है, निखिलेश मिश्रा, ये हरीश शिवाले. आज गणेश जयंती है. इस उपलक्ष्य में हमारे ओर से 1100 किलो का लड्डू है और ये जो व्यवस्था पूरी हो रही है सब मंदिर और हमारे तरफ से हो रही है. 1100 किलो का है, 1100 किलो का लड्डू है. हम कई सालों से ये लड्डू का भोग लगा भगवान को भोग लगाते हैं. खासकर गणेश जयंती के दिन जिस दिन गणपति भगवान का जन्म हुआ था माँ पार्वती जी ने इसी दिन विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का रूप बना के उनको जन्म दिया था. भगवान शिव ने उनका गर्दन काट दी थी और फिर बाद में उसी को वापस पुत्र को जीवित करने के लिए हाथी का सर लगाया था. इसलिए गणेश जी को सुंड के रूप में हम पूछते हैं. उनको वक्रतुंड कहा जाता है, टेढ़ी तुंड सुंड वाले, और उन्हीं को लड्डू सबसे प्रिय भोग है उनका. इसीलिए हमने उनको 1100 किलो का बड़ा सा लड्डू चढ़ाते हैं और भगवान को लड्डू का भोग लगाते हैं और उसी लड्डू का प्रसाद का वितरण हम यहाँ पे दोपहर की आरती जो 12:30 बजे की जो हमारे भोग की आरती होती है उसके भोग की आरती के बाद हम ये प्रसाद यहाँ पे वितरित करते हैं. हर साल का ये प्रोग्राम है. कितने लोग आते हैं?